हेलो डियर स्टूडेंट सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये भी फायर एंड आइस से है आइस एंड फायर वाली पोम से है. ये भी करते हैं वाई डू पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड एन आइस इसका मतलब है कि जो दुनिया के लोग हैं जो लोग हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं ये जो दुनिया है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी इस आइस में ऐसा इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी हो गई है इतना हेट्रेड हो गया है इतना अभौर हो गया है कि क्या बताएं तो बस वो इसी नफरत की वजह से बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे सो so, हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स बी हो जाएगा बिकॉज हेड्रेड अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फैस्ट सपोज दैट कोई जैसे मान लो कोई बहुत ग्रो कर रहा है कोई बहुत ऊंचाइयों पे जा रहा है तो हम उससे जैलस फील करेंगे ठीक है कोई बहुत मेहनत कर रहा है कोई बहुत आगे बढ़ रहा है हम उससे जालस फील करेंगे बट अगर कोई पर्सन बहुत ऐसा लो परफॉर्मेंस कर रहा है हम बहुत खुश होंगे थैंक गॉड मुझे तो पता ही था इसके बस का नहीं है तो हम लोगों ने अपने दिलों में क्या भर रखी है नफरत भर रखी है जेलसी भर रखी है एनवी भर रखी है एक दूसरे के लिए घृणा भर रखी है और यही जो वो कारण है ये हमारे वर्ल्ड को बहुत जल्दी खत्म कर देगा समाप्त कर देगा तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल सो कीप लर्निंग विद मी टेक केयर